गोहाना में होने वाली इनेलो पार्टी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें कि 25 सितंबर को होने वाली रैली को बारिश के कारण रैली स्थल पर पानी भर जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो अब 7 तारीख को होने वाली है और अब रैली स्थल पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जगत्ताओ देवलाल के जन्म दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह होना था, उसको स्थगित कर दिया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब जो रैली 7 अक्टूबर को होनी है उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, मुकम्मल सारा अरेंजमेंट हो चुका है। इसमें से हम जो बुलडोजर है उससे सारी समतल करवा दी गई है, जमीन टेंट का काम शुरू हो चुका है। और जैसे दुल्हन को सजाया जाता है इस तरह से 7 तारीख तक हम 7 से पहले ही 6 को शाम को हम दुल्हन की तरह इस टेंट को रेल स्थल को सजा लें। जोश तो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि 7 तारीख का संडे पड़ता है, संडे की वजह से कर्मचारी भी आएंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो हमारी रैली जो 25 सितंबर को होनी थी उससे कहीं ज़्यादा लोग अपने ताओं को सदा सुमना करने गवाड़ा के। जी सर, आप बताइए तैयारियों को लेकर क्या लग रहा है आपको, रैली किस हद तक सफल हो पाएगी? तैयारियाँ काफ़ी अच्छी हैं। मैं युवा हल्का अध्यक्ष अमित मोहन बड़ौदा से, पूरे हल्का बड़ौदा से नहीं पूरे हरियाणा से युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होगी इस रैली में। बढ़ चढ़ के युवा अपना जोश दिखाएंगे और आने वाली ये रैली हम सभी के लिए एक निर्णायक रैली होगी। इसमें हम आने वाली सरकार की नींव रखेंगे और ये जोश युवाओं का और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका जोश आने वाली सरकार की नींव को पक्की करेगा। आप अपने हल्के के लोगों को क्या कहना चाहते हैं रैली को लेकर? मैं अपने हल्के के लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि ताऊ सबके थे, अकेले इनेलो के नहीं थे, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।